नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। आजमगढ़ में 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने लिया। आज पुलवामा आतंकी हमले के प्रथम शहादत दिवस पर क्लाइमैक्स कोचिंग सेंटर रौना पार रोड लाठघाट के द्वारा जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। लाठघाट बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें क्लाइमैक्स कोचिंग सेंटर के संस्थापक नदीम अध्यापक कौशल राय सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थीं।